वेलकम टू संसार ग्रीन। संसार ग्रीन का मिशन है कि पूरी दुनिया में हरियाली हो और हम हमारी वीडियो बनाते समय हमारे दर्शकों की फरमाइश का पूरा ख्याल रखते हैं। हमारी आज की वीडियो हमारे एक दर्शक रोहित जी की फरमाइश पर है। आपने फरमाइश की थी कि पूजा के लिए कौन से फूल लगाने चाहिए, इस पर एक वीडियो बनाई जाए। हमें विषय दिलचस्प लगा। पूजा के लिए ऐसे फूल लगाए जाते हैं जो आम तौर से सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जा सके, जिनमें रोजाना खूब सारे फूल आएं और ऐसे फूल हों जो अमूमन एक दिन रहते हैं, यानी आप रोजाना उन्हें तोड़कर चढ़ाएं, शाम तक वो फूल मुरझा जाते हैं। तो शुरू करें हमारी वीडियो। सबसे पहले हमने रखा है सदाबहार या विंका को। सदाबहार का फूल बहुत सारे रंगों में होता है। ये सालों भर खिलता है। इसको 5 से 10 इंच के गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये लगभग सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। ऐसे कोई भी भगवान या देवी ऐसे नहीं है जिनको ये चढ़ाना रिस्ट्रिक्टेड या प्रोहिबिटेड है। इसमें रोजाना बहुत सारे फूल खिलते हैं। फूलों की एज एक ही दिन होती है, यानी आप ना भी तोड़ेंगे तो वो फूल शाम तक मुरझा जाएंगे। बेहतर है फूलों को तोड़ के भगवान के ऊपर ही चढ़ा दिया जाए। आपको पूजा के लिए फूल की कमी भी नहीं होगी। जब फूल पूजा के लिए लगा रहे हैं तो गेंदा फूलों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि गेंदा का फूल भी लगभग साल के 12 महीने खिलता है। थोड़ा सा ध्यान अगर आप रखेंगे, जाड़े में इसके गमले को फुल सनलाइट में यानी कि खुली धूप में रखिए, और जब गर्मियाँ एक्सट्रीम पे हों तो इसके गमले इंडोर रखिए जहाँ पे कि कुछ शेड हो, छाया हो। गेंदा का फूल अकेला फूल नहीं होता है, बल्कि फूलों का बड़ा सा गुच्छा होता है। तो अगर आप रोजाना बहुत सारा गेंदा फूल नहीं भी तोड़ पा रहे हैं तो एक ही फूल से उसके अलग अलग, अगर फूलों को अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो आप सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए ये अच्छा विकल्प है। इसके अलावा गेंदा में कई सारी वैरायटीज आती हैं, कई सारे कलर्स आते हैं। कुछ देवी देवताओं को सफ़ेद फूल चाहिए, किन्हीं को पीले चाहिए, किन्हीं को लाल चाहिए। तो कलर के हिसाब से भी आपको यहाँ पे वेरिएशन मिल जाता है। टैजेट वैरायटी जो गेंदा की होती है, उसमें छोटे छोटे पर बहुसंख्य फूल रोजाना खिलते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर हमने रखा है हिबिस्कस यानी कि जावा कुसुम को। जावा कुसुम या चाइना रोज का फूल खास करके दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है। तो आपके पास कम से कम इसका एक गमला जरूर होना चाहिए। इसमें भी रंगों की वैरायटी होती है। कुछ देवी देवताओं को सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं और कुछ को लाल, जैसे दुर्गा जी और काली माँ को लाल फूल चढ़ाए जाते हैं। उन्हें अड़हुल या गुड़हल के फूल बहुत पसंद होते हैं। शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ाए जाते हैं। सरस्वती माता को भी सफ़ेद फूल प्रिय होते हैं। अड़हुल या गुड़हल की भी सैकड़ों वैरायटीज होती हैं। इनको 10 से 12 इंच के गमले में लगा के रख सकते हैं। फूल इनमें सालों भर खिलते हैं और एक बार ही पौधा लगाना पड़ता है। बार बार आपको पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सीजनल नहीं है, बल्कि ये एवरग्रीन फ्लावर्स में से आते हैं। अगर आप प्लांट की प्रॉपर केयर करते हैं, यानी कि प्लांट केयर के लिए प्रॉपर फर्टिलाइजर डालते हैं और फ्लावर बूस्टर फर्टिलाइजर्स डालते हैं जो कि ब्लूमिंग को इन्हांस करता है, तो सालों भर इनसे लगातार फूल लिया जा सकता है। वैसे भी गुड़हल के फूल ना तोड़ेंगे तो सुबह का खिला हुआ फूल शाम तक मुरझा जाएगा। मुरझाने से पहले भगवान के चरणों में चला जाए तो क्या बुरा है। अगले नंबर पर हमने रखा है संझा फूल या मीराबिलिस को। इसे 4 o'clock फ्लावर भी कहा जाता है। आमतौर से हर भारतीय घर में संध्या पूजन या शाम के समय भगवान के सामने दीपक जलाने की प्रथा होती है। तो अगर शाम के समय आपको पूजा के फूल भी चढ़ाने हैं तो संझा फूल इसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है। यह इजीली लग जाता है। साल के 12 महीने इसमें फूल खिलते हैं और रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, यानी रंगों की तमाम वैरायटी, सफ़ेद, पीला, लाल, नारंगी, गुलाबी आपको मिल जाते हैं। ये फूल शाम के समय ही खिलते हैं और कुछ घंटे खिले रहने के बाद ये मुरझा जाते हैं। तो संध्या पूजन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें भीनी खुशबू भी होती है। सभी देवी देवताओं को ये फूल चढ़ाए जा सकते हैं। अगले नंबर पर हमने रखा है अपराजिता या पारिजात को।
इसे विष्णुकांता नाम से भी जाना जाता है। इसके फूल दो रंग में आते हैं, आमतौर से सफ़ेद और नीला। इसकी दो वैरायटी होती है, फूल सिंगल लेयर्ड और डबल लेयर्ड होते हैं। इनकी वाइन होती है। ये भी बहुवार्षिक पौधा है, यानी कटिंग करके रखें तो इसमें सालों भर फूल आते रहते हैं। आप इसे हर साल नया भी लगा सकते हैं। ये 10 से 12 इंच के गमले में आसानी से चलता है। अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत सारे फूल रोज़ाना आते हैं, जिनकी लाइफ एक ही दिन होती है, यानी सुबह के फूल शाम तक मुरझा जाते हैं। खास करके विष्णु भगवान, शिव जी और दुर्गा जी को ये फूल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं, और ऐसे कोई देवी देवता नहीं है जिन्हें ये फूल चढ़ाना मना है। तो ये फूल आप पूजा के लिए ज़रूर लगाइए। इनको ग्रो करना बेहद आसान है। इनकी वाइन को कुछ घंटे की धूप मिल जाए काफ़ी है। इनमें फर्टिलाइज़र डालने की आमतौर से ज़रूरत नहीं होती है, ये आपके सॉइल को खुद ही फर्टाइल करते हैं। पूजा के फूलों की लिस्ट में हमने अगले नंबर पर रखा है पारिजात, शिवली या हरि श्रृंगार को। ये भी बहुत खूबसूरत और खुशबूदार फूल होते हैं। ये सुबह के वक्त खुद ही झड़ते हैं, और सिर्फ पारिजात के फूल ही ऐसे होते हैं जो भगवान पर चढ़ाने के लिए आपको डायरेक्टली या सीधे तौर पर पौधे से तोड़ना ज़रूरी नहीं है। पारिजात के गिरे हुए फूल चुनकर भी भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। ये विष्णु जी को खास तौर से प्रिय हैं, और इसे स्वर्ग से लाया हुआ फूल कहा जाता है। जब अयोध्या में राम मंदिर की नींव पड़ रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री ने भी पारिजात का ही पौधा लगाया था। ये फूल पूजा के लिए सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जाते हैं, मान्य हैं। पूजा के फूलों की लिस्ट में अगले नंबर पर हमने रखा है मोगरा या जैस्मिन को। ये लगभग एक ही फैमिली के फूल हैं, और इसमें फूलों की लंबी रेंज आपको मिलती है। बेला, जूही, चंपा, ये एक ही फैमिली से हैं। ये सारे फूल आमतौर से सफ़ेद रंग के होते हैं और काफ़ी फ्रैग्रेंट होते हैं, खुशबूदार होते हैं। ये सभी देवी देवताओं को चढ़ाए जा सकते हैं। खास करके लक्ष्मी माँ को ये फूल ज़्यादा प्रिय होते हैं, और इन फूलों को आप अगर सुबह ना तोड़ेंगे तो शाम तक ये वैसे भी मुरझा जाएंगे। तो इसमें बहुत सारी फ्लावरिंग डेली होती है। ये फूल के पौधे भी आपको सीजनल नहीं हैं, तो आपको साल में बार बार लगाना नहीं पड़ता है। आप एक बार लगाते हैं तो इनके पौधे 10 साल तक आसानी से चलते हैं। आपको सही केयर करनी होगी प्लांट्स की, सही फर्टिलाइजेशन करेंगे तो इनमें सालों भर फूल खिलते हैं। मोगरा मैजिक जैसे फर्टिलाइजर्स डालने से मोगरा की सभी वैराइटीज़ में फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा होती है। पूजा के फूलों के लिए आप टीपू चीना या चांदनी को भी लगा सकते हैं। हालांकि इनका बड़े आकार का पेड़ होता है, जिसे आप सीधे तौर पर अगर ज़मीन पर लगा दें तो पौधा 10 फुट तक की ऊंचाई को जा सकता है और बड़े वृक्ष का आकार ले सकता है। इसमें हजारों फूल रोज़ाना खिलते हैं। फ्लावरिंग सीजन में आपको पत्तों से ज़्यादा फूल नज़र आएंगे, और सच में ऐसा लगता है जैसे आसमान के तारे ज़मीन पर बिखर गए हैं। ये फूल बेहद खूबसूरत दिखते हैं, और चांदनी रात का नज़ारा आपको ज़मीन पर नज़र आता है। आप इसके कई सारे फूल तोड़ सकते हैं, और सभी देवी देवताओं को ये फूल चढ़ाए जाते हैं। आप इसे 10 से 12 इंच के गमले में भी लगाकर रख सकते हैं। ये बहुवार्षिक पौधा है, यानी इसकी बोनसाई की शेप ये आ जाता है, और इसमें फ्लावरिंग सालों भर होती रहती है। बस सही केयर करना है, कंपोस्ट वाली खाद और फ्लावर मिक्सचर जैसे फर्टिलाइजर्स डालें जिससे कि फ्लावरिंग इन्हांस हो। आखिरी नंबर पर मैंने एक बहुत प्यारे से पौधे को रखा है, बहुत प्यारे से फूल को रखा है। इसे सुइया फूल या क्यूमोक्लिट पिनाटा के नाम से जाना जाता है। ये आमतौर पे बहुत गर्मियों में नहीं खिलता है। माइल्ड टेम्परेचर या मॉडरेट सीजन जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये फूल खिलते हैं। इनकी वाइन होती है, और इनके पत्ते काफ़ी डिफरेंट होते हैं। धागे की जैसी संरचना वाले इनके पत्ते देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इनमें लाल या हल्के गुलाबी रंग के फूल रोज़ाना खिलते हैं। हमारे घरों में अक्सर लोग पताका या झंडा लगाते हैं, तो अक्सर इनके साथ ये बीज लगा दिए जाते हैं, और इनकी वाइन पताका के साथ ऊंचाई तक जाती है लहराती हुई, और उसमें रोज़ाना कई सारे फूल खिलते हैं। हमारी 9 फूलों की लिस्ट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने अपनों के बीच ज़रूर शेयर करें।
आपके कमेंट्स अगर हमें मिलते हैं तो हम ऐसी और भी वीडियोस लेकर जरूर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।